गाइस कल गए थे हम यहाँ ऊपर जयकिम गए थे, जो टॉप है इसके उस साइड गए थे। सो एक बार बाइक का वार्म हो जाए फिर हम भी निकलते हैं। टेम्परेचर हो गया 34, 50 पे निकलेंगे यहाँ से। तो पहले जाएंगे यहाँ से की मिनिस्ट्री से होके चिचम ब्रिज। दिस वॉज द होटल। सो ये जो नंबर है स्क्रीन पे डाल दूंगा मैं। सो बढ़िया प्रॉपर्टी है, खाना भी बढ़िया था, तो रिकमेंड करूँगा ज़रूर आप, क्योंकि पीछे बहुत महंगे, कोई 4,000 का, कोई 5,000 का है। ये मेरे को पड़ा था 1,300 का। सो अब चलते हैं यहाँ से, लेट हो गए 20 मिनट, 5 बजे पूरा निकलना था। चलो कुछ नहीं होता, निकलते हैं। गाइस कल जब इधर जा था, थोड़ा ध्यान मेरा इधर था, तो जब यहाँ पहुँचा मेरे को लगा कोई स्नो लेपर्ड खड़ा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितना वेस्ट मटेरियल है वो सारा यहाँ डंप किया जाता है, और जो ये बना रखा है वेस्ट मटेरियल से बना रखा है। सो बोटल्स में लगा रखा है आई लव स्पीति। सो एक बार वो लेपर्ड देख के डर गया था मैं, असलिया तो नहीं आ गया। मनाली जाना, दोनों ही रास्ते हैं। इधर से जाओगे आएगा रंगरिक, रंगरिक से होके जाओगे लोसर, और इधर से जाओगे आएगा चीचम, चीचम से जाओगे लोसर। सो इन दी एंड लोसर में मिलोगे जाके। सो लोसर यहाँ से है 56। गाइस सनराइज हो रहा है इस पहाड़ी के उस साइड से। सो जो रेस क्रॉस होगी वो तो पड़ेगी वहाँ पे। सो माउंटेन की हाइट लगा लो कितनी होगी इसकी। तो अपन को जाना है यहाँ से, जहाँ तक दिख नहीं रहा आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। अरे मेरे क्या व्यू है। एक फोटो तो बनती है ब्रो यहाँ, लास्ट में यही बचेगी मेमोरीज कि वहां पे ये चीज थी। देखो जितनी खूबसूरत है उतनी डेंजरस भी है। इधर खड़ा पहाड़ है, सीधा नीचे जाओगे पानी में। जब कागज चले थे तो जो सनरेज थी वो बिल्कुल ऊपर थी, अब हाफ माउंटेन पे आ गया। देखो मतलब आधा या एक घंटे तक ये रेस बिल्कुल नीचे तक आ जाएगी। इधर के लिए जाना हमें यहाँ से स्ट्रेट, जो कि है अराउंड 3 किलोमीटर। चीचम यहाँ से 5, इसका आगे पता नहीं कहाँ जा रहा है ये। लोसर है यहाँ से 41। सो यहाँ पे हर एक टर्न का ध्यान रखना पड़ता है, एक टर्न मिस हो गया तो आप काफी आगे चले जाओगे, जो कल मेरे साथ हुआ था लांजा जान था। तो ध्यान दिया नहीं, वो टर्न मिस हो गया, 1.5 किलोमीटर आगे आ गए थे। वो तो थोड़ा नॉलेज में था कि टर्न स्टार्टिंग में ही है, इस करके चेक कर लिया। नॉलेज में होता मैं तो पता नहीं कितना गया था। सो हर टर्न का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। आई थिंक अच्छी रोड होगी खत्म, और थोड़ी ऐसी सी दिखेगी, और आगे जाके तो बिल्कुल ही खत्म होने वाली है।
this is not fair. सो गाइज, ये वही रोड है जो पीछे छोड़ी थी हमने, जो राइट में ऊपर जा रही थी. सो वो ऊपर से कीबर से होके यहाँ पे आती है. ये जो लिया था, ये था शॉर्टकट प्लस ऑफ रोड था. और अब आने वाला है चीचम ब्रिज. This is the famous Chicham Bridge. Famous क्यों है वो आपको आगे बताता हूँ एक मिनट. फोटो उधर से ले लेंगे क्योंकि यहाँ तो है स्टिप. तो डैमेज भी हो गया इतनी जल्दी. सो फेमस क्यों है नीचे देखो एक बार कितना डूंगा है. सो अगर आपको इस माउंटेन से इतना पड़ता था सो ये ट्रैकिंग की होती थी. सो जो यहाँ पे विलेज है चीचम, सो ये उसके लिए बनाया गया है. सो 2017 में बना था ये. फाइनली हियर वी आर एट चीचम ब्रिज. काफी टाइम से वीडियो में देखे थे तो आज पहुंच गए हैं. सो टाइम हो रहा है अभी 6:10. और देखो सो यहाँ से चलते हैं लोसर की तरफ. 1.5 घंटे सफ़र और होगा यहाँ से. सो आगे बाइक पे मिलते हैं आपको. गाइस फाइनली चीचम ब्रिज भी हो गया अपना और सनराइज देखो पूरे पे आ गई है. अब चलते हैं यहाँ से लोसर की तरफ. सब अच्छे हो गए, हल्का सा लेट हो रहे हैं. सो एग्जैक्ट डेट इस ब्रिज की है 3rd of September 2017. लेट्स गो. देखो कई चीज़ें होती हैं जो आपने सिर्फ वीडियोस में देखी होती हैं, फिर आपका मन करता है वो चीज़ करनी है. सो जब आप वो करते हो बहुत बढ़िया लगता है. फिर अंदर अब और होता है कि आप अगर कुछ और नवा ट्राई करें. सो लिस्ट में काफ़ी चीज़ें थी जो करी हैं और जो भी और करनी है. अजीब बड़ा ब्राइट है सन. शॉर्टकट लेते हैं क्योंकि ये पूरा घूम के आ रहा है यहाँ पे. तो सूर्य देवता ही बाहर आ गए हैं. अब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, पहले तो ठंड थी. गाइस पहले हम आए थे वो वहाँ पे गाड़ी दिख रही होगी आपको एक इस साइड,
तो हमने ले लिया था शॉर्टकट जो नीचे नीचे सर है। अगर हम ऊपर से आते सड़क से तो वो किबर गाँव आता, सो पूरा घूम के आते और ये चीचम ब्रिज व्यू देखो एक बार यहाँ का। चलते हैं यहाँ से अब। यहाँ से जाना है राइट, जो सामने देख रहे हो ये सर चीचम है। सिर्फ एक इस ब्रिज की वजह से इन दोनों में कनेक्टिविटी हो गई है, और ये ब्रिज ना होता तो ये वहां से वहां ना जा पाते और वो वाले इधर ना पाते और हम भी यहाँ ना पाते। जोरदान थी किबर में जियो की रेंज है, एयरटेल की नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना। गाइस जितना खींचने की सोचते हैं उतना स्लो हो रहे हैं, क्योंकि व्यूज ही ऐसे हैं। बताओ यहाँ रुक के फोटो करी, इतना बड़े व्यू आया। चलते हैं आगे, हर 2 मिनट बाद रुकना पड़ रहा है। इस हिसाब से तो हमारा शाम को 8 बजे पहुँचेंगे। कोई नहीं, एंजॉय करने आए हैं। देखो वैसे जल्दी कोई है नहीं, मनाली में अपना होटल हो रखा है, वो थोड़ी जल्दी इस करके कि जो बीच में वाटर क्रॉसिंग आती है, अगर दिन हो गया तो वो तेज हो जाएगी, तो वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करनी है, अब खींचनी पड़ेगी थोड़ी। सामने स्नो पड़ी हुई है, तो हम जाएंगे कुंजुम पास से, तो वहाँ स्नो मिलेगी। क्या कहोगे इस व्यू के बारे में? इधर एक ग्राउंड से वैली बन रखी है, देख लो इधर माउंटेन, इधर माउंटेन, बीच में सड़क चल रही है। और रुकने का मन यहां भी है, तो रुक नहीं सकते। काफी देर धूप को मुझे ले लिए और आगे शेडो में। अभी है यहाँ पे, उसके बाद जाना है बिल्कुल वो जो शहर दिख रहा होगा, जो शेडो दिख रहे हैं बिल्कुल नीचे, वो बिल्कुल उसके नीचे आना है कॉर्नर में, जो इस वैली का बिल्कुल सेंटर है वहां जाना है। इजीली कहें अगर एक इस पॉइंट के लिए इतने दूर आना पड़ा, देखो वापसी में दिखाऊंगा एक चीज। वो बाद में खत्म, पहले देखो माउंटेन्स। उस एक छोटे से पॉइंट के लिए उस कॉर्नर से गए थे हम, वो पूरा वहां, और हम आए थे जो आपको दिख रहा होगा जहाँ शेड पड़ रही है, जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना, वहां से आए थे जिग-जैग करके।
अब थोड़ा ही रह गया जो जाने काइटो। ये दूसरी रोड आती है काजा से जो रंग रिक्शा आती है, सो वो ये है। आगे जाके दोनों मिल जाएंगी। अब आई थिंक काइटो वो जगह है जहाँ दोनों मिलती है। क्याटो याटो इट्स क्याटो, वो जा रहे नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर। और आगे जाके दोनों मिल जाएंगे। गाइस हम आए थे जो बिल्कुल बीच में पॉइंट दिख रहा है, वहां से पूरा घूमते हुए आए, और ये है दूसरा रास्ता। तो जो चिटम ब्रिज ना होता, जिसने काजा जाना है तो उसको यही रास्ता पकड़ना पड़ता है, यहाँ से वो नीचे जाता पहले, फिर अमरीका होके जाता काजा। 5 hours 2 kilometers बैक ऑन हाईवे। तो काइटो इज बेसिकली द वैली, बढ़िया जगह है। अगर फोटोज खींचनी हो तो बढ़िया आएंगी यहाँ पे। हाँ जी सर, हम पहुंच गए लो सर। सो यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, सो वहाँ पे एंट्री होगी। गाइज आई थिंक लोसर लास्ट पॉइंट है जहाँ रेंज होगी, इसके आगे रेंज नहीं मिलेगी। सो घर में भी बात नहीं हुई थी सुबह से, सो घर बात कर ली है, अब जाके बात होगी सीधा मनाली। और मनाली का रास्ता यहाँ से होगा लगभग 5 या 6 घंटे का। अगर तो सारी सड़क ऐसी होती फिर तो 3 घंटे आराम से लगते। तो थोड़ा पैच है सड़क वाला, उसके बाद सारा ऑफ रोडिंग हो जाएगा। गाइस अपडेट है कि साफ सड़क हो गई है ख़त्म। लोसर से 4 या 5 किलोमीटर आगे तक सड़क है, उसके बाद ऑफ रोड स्टार्ट होता है। अभी ये रोड बढ़िया है, आगे से भी वर्ष होने वाली है। सो अगर आ रहे हो तो आउटर साइड लो, इजी रहता है। अगर आप पास में से लोगे तो स्टिप रहेगी, दिक्कत रहेगी चलाने में। थोड़ा आउटर लेके चलो, इजीली चल सकती है। ओहो हो गाइज हम आए हैं उस पहाड़ के पे कितनी पीछे से, जैसे वहाँ से आए हैं यहाँ से चलेंगे वो लास्ट में पहाड़ दिखे जो। सो कुंजुम पास ज़्यादा दूर नहीं है, 5-1 किलोमीटर और होगा, बस वहाँ हवा ना चले, ड्रोन शॉट बढ़िया आ जाएगा। कल 4 या 5 बार कोशिश करी है ड्रोन उड़ाने की, हवा इतनी थी ड्रोन उड़ ही नहीं रहा था।
तो आज सुबह उठाया था तो फिर हवा की थी, नीचे उतरना पड़ गया और थोड़े बहुत शॉट आई के थे। दो रास्ते हैं यहाँ से, एक रास्ता है आगे से लंबा घूम के आएगा, एक है शॉर्टकट वाला, तो यही लेते हैं। वो रास्ता था यहाँ से, तो कुछ मीटर चल लिया हमने। Here we are at Kuzum Pass. So this was a Kuzum Pass. So let's go. मुझे लग रहा था कि यहाँ बर्फ होगी, पर ऐसा हुआ नहीं, अफसोस है। चलो कुछ नहीं, देखो आए हैं तो सब कुछ करके जाना है। सो हाइट इज 4590। पहले ये वाटर क्रॉसिंग होती सड़क के ऊपर से, अब ब्रिज बना दिया है तो नीचे से जा रही है। स्नो मिल गई। चलो जैसी भी है, दिखी तो नहीं, वो ऊपर ही दिख रही थी पहाड़ों पे। गाइज एक चीज देखो, अभी क्या चीज है, चूहा है क्या, आई थिंक रैबिट है, साथ में उसका बच्चा है। ये ऑफ रोड अभी खत्म नहीं हुआ है, जहां तक मुझे लगता है बिल्कुल नीचे तक जाना पड़ेगा जहां तक रिवर बेस है। उस हिसाब से तो हम अध में भी नहीं आए। उई, 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 उई। सो उस लेवल तक जाना है नीचे, तो अभी भी काफी हाइट पे हैं हम। इस पता नहीं कैमरे में जस्टिस होगा या नहीं, पर हमें वो जाना है बिल्कुल नीचे नदी के पास। सो फर्स्ट टाइम आया हूँ तो जो सोचा था वही हुआ, बिल्कुल नीचे जाना है हमें। नीचे रास्ता थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब ऐसे शार्प टर्न नहीं है। चंद्रताल जाना है तो यहां से सीधा जाना पड़ेगा। सो वो जो रास्ता है वो इससे भी गंदा है। सो चंद्रताल अपनी चेकलिस्ट में नहीं था कि करना है,
तो नहीं कर रहे हैं, अगर होता तो डेफिनेटली जाते। गाइस अगर यहाँ आ रहे हो तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आना कि ये रोड मिलेगी। मुझे पता था कि ये रोड ऐसी है, तो अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि बोरिंग हो रहा हूँ या कुछ ऐसे चीज़ें, अभी तक सारा एंजॉय करें और आगे जितना बचा वो भी करेंगे। वैसे जहाँ तक सुना है मैंने, जो आगे का रास्ता है वो इससे भी ख़राब है। ऊपर से नदी कितनी छोटी लग रही थी, अब बिल्कुल नदी के लेवल में आ गए हैं। आगे जाके और पास हो जाएंगे इसके। सो दिस इज फेमस चाचा चाची ढाबा। सो अगर आपने कुछ खाना है यहाँ खा सकते हो। लोसर के बाद आपको सीधा ही मिलेगा खाने को। सो यहाँ एक रुकते हैं, पानी पीना है। तो पिछले 50 साल से यहीं पे हैं। ओहो थक गया था, तो देख करते कुछ पीने को है यहाँ पे नहीं। तो लिक्विड ही लिया यहाँ पे अपना, ज़्यादा हैवी लिया नहीं जाता सुबह सुबह। अब चलते आगे मनाली के लिए। तो असली ऑफ रोड यहाँ से स्टार्ट होएगा। अभी यह समझ लो जो ऊपर रहा था वो हाईवे था। तो असली ऑफ रोड ये है।